तो कोई फरमा बरदार बेटा अपने वालिद साहब को कैसे लेके नीचे जा रहे हैं। नीचे देना, नीचे नीचे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ पर पहुंचे और हम लोगों को बारिश मिली, लेकिन हम लोग चढ़ते चढ़ते ऊपर आए ना बारिश चले गई। देखो विशालगढ़ आया, विशालगढ़ की याद रखने के लिए मैंने यहाँ से टोपी ली, यही के दरगाह की ये टोपी है। ट्रैक की शुरुआत अभी हम लोग कर रहे हैं, चलो। हल्की हल्की बारिश है और जब हम लोग निकले थे हमें बारिश ज़रा भी नहीं मिली थी, बस सुबह में बारिश थी, दिन उसके बाद हमें ज़रा भी बारिश नहीं मिली थी। ये देखो पहाड़ों के ऊपर पूरा फॉग ही फॉग नज़र आ रहा है। जो आप लोगों को दिख रहा है ना ये पुराना वाला रोड है, पहले यहाँ से चढ़ के हम लोग ऊपर गए थे। यहाँ से जाने के लिए ना दो वे पड़ते हैं, एक यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, दूसरा यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ का थोड़ा बारिश में रिस्की पड़ता है, बस उन लोग बोल रहे कि तो तुम यहाँ से मत जाओ, यहाँ से थोड़ा रिस्की है, आप लोग यहाँ से जाओ। तो अभी हम लोग जाने वाले यहाँ से खाला और मम्मी, चलो यहाँ से जाते ना, ठीक है चलो। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग और ये विशालगढ़ किला। बहुत ही प्यारा व्यू है। अगर आप लोग नेक इरादा करके निकलोगे ना तो आपको थकान नहीं होगी, कितनी भी बड़ी ट्रैक हो, कितना भी बड़ा कुछ हो। अभी सिहाब भाई देखो हद चल के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे चलते। देखो एक फरमाबरदार बेटा अपने वालिद साहब को कैसे लेके नीचे नीचे लेके जा रहे हैं। नीचे नीचे हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ पर पहुंचे और हम लोगों को बारिश मिली, लेकिन हम लोग चढ़ते चढ़ते ऊपर आए ना बारिश चले गई। क्या व्यू है, क्या जबरदस्त सा व्यू है। फॉग ही फॉग, पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। पहला वाला वे ना जो हम लोगों ने दिखाया कि यहाँ से भी आ सकते हैं, तो ये वाला रोड है, हम लोग नीचे थे वहां पर, यहाँ पर अपने को अपने भाई मिले। खैरियत ना? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आए थे सुबह? नहीं अभी आए, अभी आए हम लोग। अच्छा अभी आए क्या? दो घंटा हो गया। ओके दो घंटा हुआ देखो आके, अभी जा रहे क्या? नहीं अभी नीचे जा रहे हैं। अच्छा ओके नीचे जा रहे, ठीक है चलो, अच्छा लगा मिल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये 15 से 16 मिनट का ट्रैक है, जो भी आप लोगों को कुछ लगेगा नहीं। अम्मी खाला पीछे है, मैं आगे हूँ। कर लिए हम लोग ऊपर आ चुके हैं, 20 मिनट में हम लोग ऊपर आए। आप लोगों को सीढ़ियाँ देख के ऐसा लगेगा कि थकान होगी, बट बाबा की ऐसी करामत है कि कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी एहसास नहीं होता है। और यहाँ पर ये घर है, यहाँ पर एक मतलब गांव बसा हुआ है ये देखो, और ये फातिमा मंजिल, बीबी फातिमा मंजिल यहाँ पर है। सो ये गांव बसा हुआ है यहाँ पर विशालगढ़। सो यहाँ से भी हम लोग आगे जाएंगे और किराना दुकान भी है यहाँ पर। अब देखते पानी है, और पानी काफ़ी साफ पानी, अच्छा पानी है।
अरे देखो चलो भी है, आजू बाजू में घर है, बीच में से रास्ता है, खा सकते हैं आप लोग, मतलब होटल्स है, किराना स्टोर्स है, दुकानें हैं, पानी भी है। हम लोगों ने पानी कैरी किया तो ये सोचते कि पानी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर पानी भी है, पानी भी है यहाँ पर। अरे पूरा एक गांव ही बसा हुआ है, ये जो पालकी समझो, अगर आप लोगों को नीचे से ऊपर आना है तो ये पालकी में बिठा के आप लोगों को ऊपर ऊपर लाएगा और नीचे पे ले जाएगा। ओके, ऊपर लाने का 500 और ले जाने का 500, ऐसा करके 1000 रुपये है यहाँ पर ये पालकी का। सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, ग्राम पंचायत गजापुर विशालगढ़, मलिक रेहान दरगाह यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, मलिक रेहान दरगाह। राम मंदिर यहाँ से सीधा जाते तो राम मंदिर आएगा, मुंडा दरवाज़ा यहाँ से राइट जाएंगे तो आएगा, शिवकालीन तोफ यहाँ से राइट जाएगा तो आएगी, फिर उसके बाद अहिलाबाई समाधि यहाँ से सीधे जाएंगे तो आएगी। सो देखो सुबह निकले हैं तो थोड़ा आराम करेंगे, तो हम लोग रूम देखने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। सो अभी नदीम हाउस में हम लोगों ने रूम लिया था कुछ टाइम रुकने के लिए, यहाँ से अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले दरगाह में जाने वाले और आप लोगों को जियारत कराने वाले और थोड़े बहुत विशालगढ़ के सीन भी दिखाने वाले। हजरत सैयद मलिक रिहान बाबा मीरा साहेब साहेब कोकन, इनके बारे में हम आज जानेंगे। आज हम जानेंगे इनका नाम मलिक रिहान और मीरा साहेब कैसे पड़ा, उनके करामतें, इनके वाकयात, पहाड़ पे जो बारात खड़ी है, पानी कैसे निकला और यहाँ कितने लोग आए थे, सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। हजरत सैयद मलिक रिहान बाबा मीरा साहेब रहमतुल्लाह अलैह, ये दरअसल अरब के छोटे से गांव रिहान से आए थे, इसलिए इनको मलिक रिहान कहते हैं। मलिक क्यों कहा जाता है? दरअसल ये मालकी खानदान से थे, इसलिए इनको मलिक कहा जाता है। मलिक रिहान रिहान गाँव से आए थे, मालकी खानदान से थे, मीरा साहेब जो इनके भांजे थे और इनके साथ वो आए हुए थे अरब शरीफ से, इनको मीरा साहेब कहते हैं। इनके दोनों के मज़ारात अंदर हैं, देख सकते हैं, जियारत कर सकते हैं। दरअसल ये जो है 850 साल पुराने बुजुर्ग हैं, इनके साथ दो मुरीद और इनके भांजे हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। बताया जाता है कि हज़रत हाजी मलंग दौर के मखदूम माहिमी दौर के बुजुर्ग हैं। यहाँ का उर्स साल में दो बार होता है, जनवरी के 11, 12, 13 और बकरी ईद के अगले दिन होता है, जो कि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। देखो विशालगढ़ आया, विशालगढ़ की याद रखने के लिए मैंने यहाँ से एक टोपी ली, यही के दरगाह की ये टोपी है, तो यहाँ से मैंने खरीदी है। जब जब टोपी को देखूंगा तब तक मुझे विशालगढ़ की याद आएगी कि यहाँ पर मैं आया था। सो अम्मी मैं खाला 2012 के बाद 2022 में 10 साल के बाद यहाँ पर आए विशालगढ़ में, हजरत सैयद मलिक रिहान शाह बाबा इनके यहाँ। सो अभी हम लोग घूमेंगे, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा विशालगढ़ का यहाँ पर पहाड़ों का व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर जो घोड़े की ताप जो पानी निकला है, जहाँ पर हजरत नमाज के लिए रुके थे, जहाँ पर पानी नहीं था, घोड़े के पैर पड़ने से पानी निकला, वहाँ वो जगह दिखाऊंगा। जो बारात चल रही थी, जो पत्थर बनी है वो दिखाऊंगा। सो अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे और हल्की हल्की सी बरसात की संभावना है यहाँ पर अभी, और काफी ज्यादा पसंद आई मेरे को टोपी है, क्योंकि ये यही की दरगाह की टोपी है, यहाँ पर सबके सर में ये वाली टोपी ही दिखती है। इधर जाने का डाइन साइड दरगाह है, देखो इधर जाने का डाइन साइड, ओके डाइन साइड में, ओके उठने का, हाँ ओके शुक्रिया। Thank you.
लोग जहाँ पर बारात पत्थर के रूप में बनी है ना, वहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर रुके हम लोग। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हाइट पे हम लोग नीचे, कितना मतलब मेरे को ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है, सो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ हूँ। और जब आप लोग पहाड़ों पे आते हो ना, पहाड़ों में एक अलग ही सुकून है, अलग सा ही माहौल है यहाँ पर, और एकदम शांत। अगर आप लोगों को अपना माइंड रिफ्रेश करना हो तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आओ, यहाँ पर टाइम बिताओ। शांत माहौल है, सुकून है यहाँ पर। यहाँ के लोग बोल रहे थे कि वैसे तो देखा जाए तो हर साल यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। चल रहे, घूम रहे, मतलब हवा चल रही है ना, हवा आप लोग सोच नहीं सकते, इतना मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर, यहाँ की जो हवा है। 1 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, अभी 4:45 हो रहा है, और मतलब स्वाद ही अलग है। कहाँ से आए आप? हम उधर से, कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक से आए क्या? कर्नाटक से आए, देखो ये लोग। सो अब वक्त आया यहाँ से निकलने का, 5:15 हो रहा है, हमें फिर रिटर्न जाना है। आने के टाइम पे हमें 3-3.5 घंटे लगा था, बट अब देखते हैं कैसा क्या होता है। पहले फिर एक बार हम रूम पे जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, देन वहाँ से निकलेंगे। अभी हम लोगों का वक्त आया है निकलने का, 1 डे रिटर्न। हम लोगों ने पहले ही बताया था कि आज हम लोग ये रिटर्न होने वाले हैं। अभी देखो, अभी हम लोग भी ये वाले सीढ़ी से उतरने वाले हैं। सो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, थोड़ी भी थकान चेहरे पे नहीं है, ना महसूस हो रही है, नीचे आ चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो अल्लाह सफर में आसानी करे। चलो।